बुद्धं शरणं गच्छामि। वाल्मीकि जाति का व्यक्ति, किसी वाल्मीकि की बेटी या चमार की बेटी इस हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेगी तो जब बदलेगा सिस्टम। तो आप लोगों को ना वैचारिक रूप से तो तैयार होना ही होना मेरे भाइयों, राजनीति भी करनी सीख लो। सीखो चमार भाइयों से, उन्होंने उत्तर प्रदेश में चार चार बार बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया। हम लोग एक सरपंच नहीं बना सकते, एक मोहल्ले का एमसी नहीं बना सकते, घरों के लिए लड़ना पड़ेगा। और पढ़ना काफी नहीं है क्या इस समाज में? डॉक्टर इंजीनियर वकील ने बहुत है, लेकिन वो सिर्फ साक्षर है, शिक्षित नहीं है। वो घरों से नहीं निकलते बाहर, उनकी मियां बीबी फ्लैट और कार में बैठे रहते हैं, शेर के बच्चे समाज में आते ही नहीं वो लोग। मुझे क्या जरूरत है यहां पर आने की? मेरे को चुनाव थोड़ी लड़ना भाई, और ना जिंदगी में मैं चुनाव लड़ू, कभी भी देख लेना आप लोग। मैंने देखा समाज का दर्द, बहुत नजदीक से महसूस किया है। मैं गया उस परिवार में, कपड़े बिछाने के लिए जब पल्ली बिछा के, जो गांव में खेतों में पल्ली बिछाते हैं उस पर सोया उस परिवार के पास जाके। तो आज उस बहन के लिए, आज वो देख रही है आप लोगों के लिए। और हमने सिलसिलेवार ढंग से, हम लोग रुकेंगे नहीं, चाहे एक साल लगे चाहे दस साल लग जाए। हमारी डिमांड सिर्फ मनीषा के हत्यारों को फांसी की नहीं है, हमारी डिमांड उन लोगों को भी फांसी की सजा हो जिन लोगों ने रात के 2:30 बजे इस देश के लोकतंत्र का बलात्कार किया, जिन लोगों ने रात के 2:30 बजे इस देश के संविधान का बलात्कार किया, जिन लोगों ने इस देश की रामायण का बलात्कार किया, भगवत गीता का बलात्कार किया, सभी धार्मिक ग्रंथों का बलात्कार किया। और ये कहते हैं हम लोग धार्मिक नहीं है, हम लोग धार्मिक है। ये लोग ना तो धार्मिक है, ना ये धर्म इनका है, ना ये लोग इस देश के, ये बाहर से आए लोग हैं। आपको समझना पड़ेगा इनकी, ये यूरेशियन है। ये 15% लोग, हम 85% पर राज कर रहे हैं। साहब काशी राम उदाहरण देते थे कि ये बाल ये निकाल रहे थे, इससे की जरूरत है ये बताऊंगा। साहब काशी राम उदाहरण देते थे कि भाई ये इंडिया है, ये इंडिया है, और ये 85-15% लोग हैं, ये जो ढक्कन है, और ये 85% लोग हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं। जब ये कोई भी काम कर रहा तो मैंने कहा ना, सड़क हम बनाते हैं, गाड़ी तुम्हारी चलती है, बिल्डिंगें हम बनाते हैं, बैठते तुम लोग हो, मंदिर हम बनाते हैं, पूजा तुम लोग करते हो, दक्षिणा सारी अपने घर ले जाते हो, ये लोग करते हैं सारा काम। जब ये काम करता है तो ये इसकी पीठ पे बैठ जाता है, ये पीठ पे बैठ गया, ऐसे आराम में रहता है। और जब ये आराम करता है तो इसके मुंह पे बैठ जाता है, बंद हो जाता है। और जब लगता भी ना जेब में तो ये ऊपर वाला दिखता, नीचे वाला दिखते ही नहीं। और आपके पास सबसे ताजा उदाहरण है, कोरोना काल में, इस कोरोना में सभी लोगों को, दिल्ली में भी देश में भी 50-50 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया सरकार ने, लेकिन सफाई कर्मचारी और आरक्षक को वो नहीं करा इंश्योरेंस, क्योंकि आपका कोई नेता नहीं है, आपकी कोई जमात का आदमी नहीं है, आप संगठित नहीं है। अरे जो गुरु महाराज को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी, बाबू जी ने कहा मैं उसके क्रिटिसाइज में नहीं जाता, हमारे दादी पाथरी वाले प्रसाद भी नहीं खाते, हलवा भी नहीं खाते गुरु महाराज का, मैं गलत तो नहीं कह रहा जी, आप सत्संग कर लो, अमर सिंह पवन वाले हलवा लेने नहीं आवा। तो ये क्या है, सिस्टम क्या है? आप लोगों को तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, हर तरीके से तोड़ा गया ताकि आप संगठित ना हो सको। और आज समय आ गया है, आपके ऊपर चार कुत्ते हमला कर दे रहे, आपके हाथ में लठ हो तो चारों भाग जाएंगे, लेकिन आप एक बार लठ जाना मधुमक्खी छत्ते मार के देखो, तुम्हारी औकात दिखा देगी मधुमक्खियां। तो मधुमक्खियों की तरह संगठित हो जाओ इस देश में, दलितों से ज्यादा संख्या नहीं है इन ब्राह्मणवादियों की, मनवादियों की। अगर हम लोग इकट्ठे हो गए ना तो सड़न नींद भी नहीं आएगी, इतने सुझा देंगे इनने हम लोग। और हमारे लोग, बाबू जी कह रहे थे भाषण में, हमारे तो आदमी लाठी मारते ना सीधा पीजीआई में जाते हैं, नसदेख के मारते हम लोग। आप लोगों को उसी प्रवृत्ति में आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सभ्य हो गए, नॉनवेज ही खाना छोड़ दिया, नहीं हम तो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन फिट होने बाद खूब मांस खाओ, खूब दूध पियो, खूब घी खाओ और ताकत पैदा करो। लेकिन शारीरिक ताकत से ज्यादा ना मानसिक ताकत होती है। बाबा साहब अंबेडकर पहलवान नहीं थे, लेकिन इस मनुवादियों की बेड़िया एक संविधान लिख के सारी तोड़ गए तुम्हारे बाबा साहब अंबेडकर के नाम। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कहां गया सुभाष चंद्र बोस? खून से कभी क्रांति नहीं आएगी भाई। मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारे युवा सड़क पर जाकर लहू लुहान और दूसरे को भी करें।
खून से क्रांति बिल्कुल नहीं आएगी, क्रांति आएगी विचार से, क्रांति आएगी विचारधारा से। आप डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, इनको कोई दिक्कत नहीं होती, ब्राह्मणों को, पणियों को, ठाकुरों को। आप मंत्री बन गए, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप एमपी बन जाओ, एमएलए बन जाओ, इनको दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत है आपके अम्बेडकर वादी होने से। जिस दिन सारा समाज एक छतरी के नीचे आएगा, जैसे गुरु महाराज के हाथ में कलम, बाबा साहब ने कलम से आपके क्रांति किए विचार से, जिस दिन हमारा समाज अंबेडकरवाद में आएगा, उस दिन इन मनवादियों की चड्डियां की ले जाएंगे, खाकी निक्कर वाले भाग जाएंगे देश छोड़ के। और मेरा तो अंतिम लक्ष्य है भाई, मैं राजनीति जीवन में नहीं करूंगा, ना मैं किसी पार्टी में हूं। मेरा अंतिम उद्देश्य जीवन का यह है कि मुझे उस घर में बाबा साहब अंबेडकर पहुंचाने हैं जिस घर में सदियों से पाखंडवाद का बसेरा है। ये दरासाई हो जाएंगे। अगर तुम लोग मेरी बात से सहमत हो तो मेरे साथ एक बार हाथ उठा के सहमति जताओ। क्या हम लोग हिंदू हैं? नहीं है। क्योंकि हमारी बहन को रात में जलाएगा। हम लोग आदि धर्म के लोग हैं, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले लोग। आप लोगों से निवेदन है, अपने घरों से ना ये 33 करोड़ निकाल दो आज के आदि, और अपने घरों के मंदिरों में सिर्फ वाल्मीकि महाराज, रविदास महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों की फोटो लगाओ, इनकी पूजा अर्चना करो। आपकी सारी दरिद्रता खत्म हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा, अगर महापुरुष घर में लग गए तो अफसर बनेगा वो। अब आप देखो, अगर भगवान में शक्ति होती जो ये लोग कहते हैं, तो हर साल शंकर आते हैं, हर साल राम आते हैं, हर साल गणेश आते हैं, हर साल दुर्गे पूजा होती है, नवरात्र आते हैं। क्या इनको इन बच्चियों की चीख सुनाई नहीं देती जिनका बलात्कार होता है? क्या ये बहरे हैं? क्या ये भगवान सारे बहरे हैं? क्या इनको भूखे नंगे लोग नहीं दिखते जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं? क्या ये भूखे लोग हैं जो इतना सारा चंदा इकट्ठा करे बैठे मंदिरों में? तो आपको पढ़ना पड़ेगा रामास्वामी पेरियार को, पढ़ना, सारे दिमाग की बत्तियां जल जाएंगे आपकी, सारे तर्क संगत बात करोगे। इनको दिक्कत सवाल से है, और जिस दिन आप लोग सत्ता पे सवाल करने लगे उस दिन सत्ता का स्वभाव बदलेगा। अगर 100% भी संख्या हो ना आपकी एक वार्ड में, मैं गारंटी देता हूं आप लोग पंचायती उम्मीदवार जिता नहीं सकते। तो आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये भेदभाव छोड़ दो, हम लोग एक दूसरे की टांग खींचने में ही लगे रहते हैं, छोड़ दो, ये अपने समाज के लोग हैं, टांग खींचनी छोड़ दो। अरे सबका खून एक है, सबके माँ बाप एक है, जब मिलाते जाओगे ना तो एक के बाप की औलाद है सारे के सारे। फिर गोता में बांट दिया, जातियों में बांट दिया। मैंने देखा हमारे गांव में, जब वाल्मीकि मोहल्ले में हम लोग छोटे छोटे गांव में रहे, सुअर मार लेते थे तो चमार खरीद के ले जाते थे, मीट खाते थे, आज चमार बड़े चौधरी बन गए, छोड़ दिया सब कुछ उन लोगों ने। तो आज आप लोगों को भी धानकों में जाना पड़ेगा, वो भी हमारा भाई है, आप लोगों को खटिको में भी जाना पड़ेगा। अरे जो जवान बेटी जिसकी लुहार की सड़क पे सोती है उसकी कौन सोचेगा? ये बाजीगर, ये और जो जातियां हैं इनकी कौन सोचेगा? तो आप लोग सारे इकट्ठे हो जाओ और इस देश में ना बिगुल बजा दो अंबेडकरवाद का। ये डरते ही अंबेडकरवाद से हैं, बाबा साहब से इतने डरते हैं कि हर जगह मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब का आज भी ये लोग अपमान करते हैं। तो कितना शक्तिशाली होगा हमारा बाबा साहब अंबेडकर? आज आपके बीच में आके बहुत एनर्जी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी माताएं बहने बैठी हैं और मैं मेरी जो मातृ शक्ति बैठी आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। मेरी माँ 80 साल का, मेरा बब्बू आज तक व्रत नहीं रखा, मेरे कुछ नहीं हुआ बुढ़े गए, ठीक है। और व्रत रखने से अगर आदमी नहीं मरता हो ना, फिर तो संख्या इतनी हो जाती। अब आप देख लो, किसी का परदादा जिंदा है क्या, वो नहीं रख सकते थे व्रत? तो ये परंपराएं हमारे ऊपर थोपी गई है, और हमने भूखे नहीं रहना, हमने तगड़े होना, ठाखा गने हमने नहीं। नवरात्रों में हम लोग सुअर देते थे, बलि देते थे, कुछ बुजुर्ग होंगे इनको पता होगा, ये हमारे त्योहार नहीं है, इनसे बचना पड़ेगा आप लोगों को। और जितने अंबेडकरवादी लोग हैं या गुरु महाराज को मानने वाले लोग हैं, अपने संत महापुरुषों ने समय समय पे एक आह्वान किया आप लोगों से, रविदास महाराज ने लिखा है, कैसा चाहूं राज में जहां मिले समन कोन, छोट बड़ा जब सब बसे रदास रहे प्रसन्न। कबीर साहब की बात था तो मैं आपको, कबीर साहब की कुटिया एक मंदिर के पास थी,
दो बकरी पालते थे दूध के लिए, तो उनकी बकरी खुला करके मंदिर में घुस गई और वहां मिंगण कर दी, टट्टी कर दी, लैटरिन कर दी, तो पंडित जी दुखी हुआ और पकड़ के लाया बकरी को, गुस्से में पीटता हुआ कबीर साहब के पास आया। कह रहे कबीर साहब मेरा मंदिर गंदा कर दिया, अशुभ कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। तो कबीर साहब ने कहा भाई ये जानवर है तेरे मंदिर में चली गई, मैं तो कभी नहीं गया ना। समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो इनके मंदिरों में जाना बंद करो, अपने गुरु महाराज को मानो, बाबा साहब अंबेडकर को मानो, रविदास महाराज को मानो, कबीर साहब को मानो और इनकी कही हुई बातों पे अमल करो। भाई मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, हम लोग 18 तारीख को दिल्ली अंबेडकर भवन में भी इसी मुद्दे पे एक मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग बड़ी पंचायतें नहीं कर रहे, हम मोहल्लों में जाकर के ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि संख्या जो होती ना वो गधों की होती है, इंटेलेक्चुअल लोग तो थोड़े होते हैं। ये जो बैठे यहां पर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये समझदार लोग हैं। भीड़ कितनी इकट्ठी कर लो, भाजपा करती है, कांग्रेस करती है, सबके बात समझ में नहीं आती, जिसके बात समझ में आ गई वो लोग चाहिए हमें। और आप लोग समझ लो हमने तो पूरा जीवन समाज में लगाना है और समाज के दलालों को भी देखना है। इनके फोटो लगा लो अपने घरों के बाहर, जो आज ये बीजेपी कांग्रेस के लोग इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे, अपने समाज के लोग दोनों ही जिम्मेदार है, भाजपा और कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टियां, ये अलग नहीं है। तो आप लोग समझो बातों को। और बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, बाबा साहब जब अंबेडकर चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने बाबा साहब के सामने एक दूधिया खड़ा कर दिया था और वो दूधिया से बाबा साहब को चुनाव हरवाया था। जब उस दूधिया ने पार्टी दी अपनी जीत की तो बाबा साहब को इन्विटेशन देकर बुलाया, बाबा साहब बड़े मान थे वो चले गए। तो दूधिया अपने वक्तव्य में कहता है कि बाबा साहब मैंने आपको हरा दिया। तो जब बाबा साहब की बारी आती है नंबर बोलने का, तो बाबा साहब ने कहा अगर हाथी बैठ भी जाए ना गधों से ऊंचा होता है। तो बाबा साहब का अंबेडकर का तो मुकाबला 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए, जब से इस देश में संविधान आया ना, जब से कोई अवतार नहीं हुआ, कोई अवतार नहीं आया। तो इतने महान थे बाबा साहब। और बाबा साहब ने कहा था, वो काजोलकर था जो उस टाइम बाबा साहब के आगे चुनाव लड़ा था, बाबा साहब ने कहा था काजोलकर पैदा होते रहेंगे। अभी एक रामविलास पासवान मरा, किसी को दुख नहीं हुआ, लोगों ने बल्कि ये कहा कि गद्दार कम होगा। बहुत सारे समाज में ऐसे भेड़िए बैठे हैं जो खाल तो वाल्मीकि समाज के पहने हुए हैं लेकिन गुलामी कांग्रेस और भाजपा ही करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना आप लोगों को, और सवाल पूछा करो उनसे। तो आप लोगों ने मेरी बात को इतने गौर से, इतने ध्यान से सुना, ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आप अपने अपने रिश्तेदारों को समझाओ कि अपने अपने मोहल्लों में सफाई करें। मैं हर जगह नहीं जा पाऊंगा, मेरे युवा साथी बैठे हैं, ये किसी से कम नहीं है बात रखने में, अपनी भाषण देने में, सब लोग हमारे परिपूर्ण है बोलने में, जितने बुजुर्ग बैठे हैं। आप लोग इनको लेके जाओ अपने मोहल्लों में, जगाओ लोगों को। और मनीषा को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग हटने वाले नहीं है। रोज मनीषाओं के साथ बलात्कार होता है। तो आप लोगों से इसी के साथ विदा चाहूंगा, एक नारा लगाएंगे मेरे साथ, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, अंबेडकर मिशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुत करता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।